नमस्कार साथियों, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि HBTU में ब्रांच और कैटेगरी वाइज मतलब कितनी सीटें, मतलब किस ब्रांच में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे सभी ब्रांच के लिए। पहले अगर हम लोग बात करें CST के लिए तो टोटल सीटें 9 हैं, जिसमें से 2 सीटें जो हैं जनरल कैटेगरी के लिए हैं, सभी के लिए, जनरल कैटेगरी में जो भी आते हैं सभी के लिए है, लेकिन एक सीट जो है ओनली गर्ल्स के लिए है। ऐसे OBC कैटेगरी में जितने भी आए कि OBC गर्ल्स, OBC हैंडीकैप, मतलब जो भी जितनी भी कैटेगरी होती है OBC में, ये सभी के लिए 1-2 सीट है, लेकिन अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए 1 सीट है। ऐसे SC में जो है 1 सीट सभी के लिए, 1 सीट ओनली गर्ल्स के लिए है, और EWS में 1 सीट जो है सभी के लिए। टोटल इस प्रकार से 9 सीटें हो गई। अब बात करें IT में, IT में टोटल 9 है, 3 जो है आपका सभी के लिए है, एक जनरल में सभी के लिए 3 सीट है और 1 सीट जो है गर्ल्स के लिए है। और यहाँ पे OBC की बात करें तो 1 सीट सभी OBC के लिए, 1 सीट गर्ल्स के लिए है। यहाँ पे SC में 1 सीट सभी SC के लिए, 1 सीट ओनली गर्ल्स के लिए SC के लिए है, और EWS में जो है 1 सीट जो है सभी के लिए है। जो आपका OP है, जो भी आपका OP यहाँ पे दिया हो, जैसे जनरल OP, BC OP, SC OP, EWS OP, ST OP, तो सब में जो आपका ओपन कैटेगरी है उसमें भी ओपन कैटेगरी, इसका मतलब क्या कि जनरल के अंतर्गत जितनी कैटेगरी आ रहे हैं ये सारे कैटेगरी, जैसे आपका जनरल गर्ल्स आ रहा है, जनरल AF आ रहा है, OP गर्ल्स आ रहा है, OP AF आ रहा है, OP आपका FF आ रहा है, OP आपका PH आ रहा है, ये सारे कैटेगरी जो है ये OP GN OP वाली सीट ले सकते हैं। ऐसे ही BC में जो चारों कैटेगरी आ रही है ये सब BC OP की सीट ले सकते हैं। SC में जो चारों कैटेगरी आ रही है ये सारे जो है SC OP की सीट ले सकते हैं, इसका मतलब ये है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल में टोटल 9 है, ऐसे ही 3 मतलब OP के लिए हो गया, 1 जो है गर्ल्स के लिए, BC में 2 OP के लिए, 1 गर्ल्स के लिए, और यहाँ पे SC में OP के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है, और यहाँ PW में भी 1 OP के लिए है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स था, इलेक्ट्रिकल की अगर हम लोग बात करें टोटल 9 है, तो यहाँ पे 3 क्या हो गया OP के लिए हो गया, 1 गर्ल्स के लिए हो गया, 2 BC OP के लिए हो गया, 1 गर्ल्स के लिए हो गया, फिर 1 आपका SC OP के लिए हो गया, 1 आपका हो गया EWOP के लिए हो गया। ऐसे ही मैकेनिकल में टोटल 9 सीटें हैं, 2 OP के लिए हो गया, 1 गर्ल्स के लिए हो गया, फिर 2 BC OP के लिए, 1 BC गर्ल्स के लिए, एक ऐसे ही SC OP के लिए, एक SC गर्ल्स के लिए। OP का मतलब क्या, ये चारों कैटेगरी उसमें शामिल रहेंगी, और 1 सीट आपका EWOP के लिए है। ऐसे ही सिविल में 9 है, तो यहाँ पे 3 OP के लिए, मतलब जनरल OP के लिए है, और 1 सीट जो है आपका गर्ल्स के लिए है। BC में 1 सीट OP के लिए, गर्ल्स के लिए सीट नहीं है, 1 सीट यहाँ पे BC AF के लिए है, आर्म्ड फोर्स, AF का मतलब होता है आर्म्ड फोर्स, और 1 सीट यहाँ पे PH के लिए भी है, यहाँ पे 1 सीट BC PH के लिए भी है, और यहाँ पे जो है SC में 1 सीट OP के लिए, 1 सीट गर्ल्स के लिए, यहाँ पे जो है EWS में कोई भी सीट नहीं है। ऐसे ही केमिकल में टोटल 9 है, तो 3 सीट यहाँ पे OP के लिए हो गया, 1 सीट हो गया आपका गर्ल्स के लिए हो गया, और BC में यहाँ पे 1 सीट OP के लिए हो गया, और 1 सीट यहाँ पे हो गया AF के लिए हो गया। यहाँ पे SC में 1 सीट OP के लिए हो गया, और यहाँ पे SC PH में 1 सीट हो गया, EW के लिए 1 सीट हो गया, EWS के लिए 1 सीट हो गया। ऐसे ही आपका बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में जो है टोटल सीटें 5 ही हैं, एक आपका BC OP हो गया, एक आपका BC AF हो गया, यहाँ पे 1 सीट BC, ये जनरल की बात करें, जनरल का दोनों सीटें हैं, 1 सीट यहाँ पे BC का, 1 सीट हो गया OP का हो गया, एक यहाँ पे SC OP का हो गया, और एक सीट यहाँ पे हो गया EW गर्ल्स का हो गया। फूड टेक्नोलॉजी में से टोटल 5 सीटें यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे सकते हैं। IL में ऐसे 5 सीटें हैं आपकी, पेंट में 5 सीटें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, आपका प्लास्टिक में जो है 5 सीटें कैटेगरी वाइज दे सकते हैं, और लेदर टेक्नोलॉजी में 3 सीटें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो इस प्रकार टोटल जो सीट है 91 है, टोटल सीट कितनी है 91 है, जिसमें से जो आपके मेन ब्रांच हो गए ऊपर से, जैसे मैं बात करूँ केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 ब्रांच के जो बच्चे, ये इनका रैंक, तो ये तो जो 2000 रैंक रहेगा तभी आपको मिल जाएगा, ये सारे ब्रांच 2000 रैंक तक रहेगा तभी मिल जाएगा, लेकिन ऊपर के जो 7 ब्रांचें हैं, और 7 ब्रांच मिला के 3, 3, 6, 9, 6, 54 और 5, 59, यानी कि 59 लड़के
59 लड़के यहाँ पे एडमिशन होगा। तो जो बच्चे भी AKTU में काउंसलिंग करवाए हैं या AMM में काउंसलिंग करवाए हैं उसी में से जो है ये 59 बच्चे जो है HBTU में शिफ्ट होंगे, उसी में से HBTU में शिफ्ट होंगे। तो HBTU में भी सेकंड राउंड में जिनका भी अभी अपग्रेड नहीं हुआ है तो चांसेज है, क्योंकि आपका HBTU का जो रिजल्ट आ रहा है 1 नवंबर को आ रहा है और आपका जो AKTU का थर्ड राउंड का आ रहा है वो 3 नवंबर को आ रहा है। तो यहाँ से जो है चूँकि 1 नवंबर को यहाँ आ रहा है HBTU का रिजल्ट पहले आ जा रहा है फर्स्ट राउंड का इसके थर्ड राउंड की तुलना में AKTU में, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे HBTU में जिनको मिल जाएगा वो तुरंत वहाँ फ्रीज करके वहाँ पे तुरंत जो है एडमिशन वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो AKTU में आगे की काउंसलिंग के लिए सीटें खाली होंगी, तो बहुत सारे बच्चों का चेंज होने वाला है। मान के लिए जिनको BIET मिला है उनको आराम से KNIT मिल जाएगा, या जिनको REC में कॉलेज मिला है उनको जो है BIET में मिलने के चांसेस पूरे के पूरे रहेंगे। तो यहाँ पे मतलब सीटों का बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तो जो भी बच्चे काउंसलिंग करवा रहे हैं धैर्य बना करके काउंसलिंग करवाइए, लास्ट राउंड तक जाइए। जिनका भी 40-50 रैंक तक के डिफरेंस में आ रहा था, सीटें नहीं मिल पाई थी या अपग्रेड नहीं हो पा रहा था, उनकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो जो चाह रहे थे उनका वो हो जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।